हरियाणा में लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब के ठेके खुल गए हैं। ठेके सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। मार्केट में मौजूद ठेके ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगे सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही जो रियायतें मार्केट्स में दी गई हैं वो अब ठेकों पर भी लागू होती नजर आ रही हैं। शराब के ठेकों के लिए भी सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भीड़ भाड़ भरी मार्केट के अंदर ठेके हैं उन्हें खोला जा रहा है। इसी के साथ साथ जो स्टैंड अलोन यानी मार्केट से अलग जो ठेके हैं उन्हें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोला जा रहा है। 6 बजे के बाद कर्फ्यू का समय है, चाहे ठेके हों या फिर अन्य मार्केट, सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और उसी तर्ज पर ठेकों को भी बंद कर दिया जाएगा। हम देख रहे थे लगातार पिछले दिनों से, जब से लॉकडाउन हरियाणा के अंदर लगा था, शराब के ठेकों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन जिस तरीके से 30 तारीख तक बढ़ाया गया है, उसके बाद जो रियायतें दुकानदारों को, व्यापारियों को दी गई हैं, उसके अंदर ठेकों को भी शामिल कर लिया गया है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर जो ठेके हैं वो 12 बजे तक खुल सकेंगे 7 बजे से लेकर के सुबह, और इसके अलावा जो ठेके भीड़ भाड़ से अलग स्टैंड अलोन ठेके हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुल सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मौजूदा ठेकेधारक हैं उन्हें भी एक्साइज पॉलिसी के तहत, क्योंकि पिछले लगातार हम देख रहे थे 23 तारीख तक जो है ठेके बंद रहे थे, 1 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ठेके बंद रहे थे, इसलिए 19 दिन का अतिरिक्त वक्त मौजूदा ठेकेधारकों को दिया गया है और इस तरीके से ठेकों को खोल दिया गया है। साथ ही कोरोना से संबंधित तमाम गाइडलाइन का पालन भी यहां पर किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, उन सभी बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखने की बात कही गई है और ठेकों को हरियाणा के अंदर खोल दिया गया है। पंचकुला से कैमरामैन सुखपाल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।